भाई दूज, जिसे भैया दूज या भाऊ बीज के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से भारत में मनाया जाने वाला एक हार्दिक त्योहार है जो भाई बहन के बीच विशेष बंधन का सम्मान करता है। दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाने वाला यह त्योहार पारिवारिक प्रेम और संबंध की एक सुंदर याद दिलाता है। भाई दूज का त्यौहार बहनों द्वारा अपने भाइयों के लिए एक औपचारिक अनुष्ठान करने से शुरू होता है। बहनें मिठाई, फूल और दिए से सजी थाली तैयार करती हैं और पूजा के दौरान बहनें अपने भाइयों के माथे पर एक औपचारिक टीका लगाती हैं जो उनके भाइयों के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए उनकी प्रार्थना का प्रतीक है। बदले में भाई अपनी कृतज्ञता और प्यार व्यक्त करते हुए उपहार या पैसे देते हैं, लेकिन इस साल दिवाली की तिथि 2 दिन होने की वजह से भाई दूज आज यानी 3 नवंबर को मनाया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं पूजन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और भाई दूज का महत्व। भाई दूज की सही तारीख। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि की शुरुआत 2 नवंबर 2024 को रात 8:22 पर हुई और इस तिथि का समापन 3 नवंबर 2024 को रात 11:06 पर होगा। ऐसे में 3 नवंबर 2024 को भाई दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। भाई दूज का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार सुबह 11:45 से लेकर दोपहर 1:30 तक का समय पूजा के लिए सबसे उत्तम है। इस समय आप अपने भाइयों का तिलक कर सकती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार शुभ मुहूर्त में तिलक करने से भाइयों की उम्र लंबी होती है, साथ ही उनके जीवन में खुशहाली आती है। भाई दूज पूजन तिलक विधि। भाई दूज के दिन बहनें उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भाइयों का तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद उन्हें कुछ मीठा खिलाएं और उसके बाद भाई को नारियल और चावल, फिर भाई की आरती करते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना करें और इस दिन भाइयों को अपनी बहनों को गिफ्ट भी देना चाहिए। भाई दूज का महत्व। भाई दूज का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाई दूज के दिन यमुना ने अपने भाई यम को भोजन कराया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इस दिन यमुना में स्नान करके यम की पूजा करेगा तो उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही उसे सभी तरह के कष्टों से भी छुटकारा मिल सकता है।